नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मिलता है पितरों को भोजन, साथ ही श्राद्ध करने से मिलते हैं कौन से 6 लाभ। आमतौर पर कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों की तृप्ति कैसे होती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करणधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वो जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास ये वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना हुआ होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वे वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न, जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं, शेष जो स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न, जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहां दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वो अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में अमिष रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुद्र रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देशकाल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्राद्ध करने से मिलते हैं ये 6 पवित्र लाभ। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल, पौरुष की वृद्धि करता है और यश और पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए
बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे धर्म टीवी के एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।